दोनों ही लड़कियां होने से बड़ी बेटी को बेचने की कोशिश कर रहे पति के खिलाफ पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई है। पिछले कई वर्षों से पति अपने पत्नी और बेटियों को प्रताड़ित कर रहा था। इसी प्रताड़ना से तंग पत्नी ने पुलिस स्टेशन जाकर अपनी शिकायत रखी। अजनी पुलिस ने इस प्रकरण में पति पर मामला दर्ज किया है। रमानगर परिसर में रहने वाले सुनील शर्मा शादी के एक साल बाद ही पत्नी को प्रताड़ित करने लगा। शराब के नशे में वह अक्सर अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटता था। पहली लड़की होने पर उसका रवैया शुरू हो गया था। दूसरी बेटी के जन्म के कुछ सप्ताह बाद ही उसने पत्नी पर डंडे से हमला कर दिया था। इसमें पत्नी जख्मी हो गई थी। लड़कियों को बड़ा होता देख सुनील उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। 6 महीने के बाद ही उसने पत्नी के सिर पर कांच फोड़ दी थी। इस बीच वह पत्नी का यौन शोषण भी कर रहा था। इसके अलावा सुनील ने पत्नी के गर्भवती होने पर जबरदस्ती दवाइयां पिलाकर उसका गर्भपात भी कराया। पिछले महीने उसने अज्ञात व्यक्ति से फोन पर संपर्क कर बड़ी बेटी को बेचने और 50,000 रुपए में लड़का खरीदने को लेकर चर्चा की। पत्नी ने जब इस पर पूछा तो वह उसे पीटने लगा। पत्नी इस पूरे मामले से काफी डर गई और अजनी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर बेटी को किसे बेचा जा रहा था और लड़के की खरीदी को लेकर जांच शुरू की है। एक महिला आहे, तिने आपल्या पती विरुद्ध तक्रार दिली होती। तिला मारहाण करतो आणि तिचा शारीरिक मानसिक छळ करतो म्हणून, त्या अनुषंगाने आपण तिची सविस्तर तक्रार घेऊन त्यामध्ये 498A आणि 324 गुन्हा दाखल केलेला आहे। त्याच्यामध्ये फक्त महिलेने ह्या असं म्हटलेलं आहे की 1 महिन्यापूर्वी तिच्या नवऱ्यानं कोणाशी तर बोललेलं होतं की मोठे मुलगी जे 15 वर्षाची आहे तिला विकणार आणि मुलगा घेणार, परंतु अद्याप पावतो त्याच्यामध्ये काही असं आम्हाला पुरावे मिळून आले नाही। आणखी तपास सुरू आहे, त्यामध्ये आणखी माहिती जसं तपासामध्ये जशी उघड होईल तशी माहिती आम्हाला मिळेल। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।